दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 से संबंधित दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं। आपको दोनों ही अपडेट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ, जानते हैं पूरा डिटेल से। दोस्तों पहली अपडेट लगाई गई है सीबीएसई 10th और 12th एग्जाम प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई ने 25 फरवरी तक बढ़ाई आवेदन की तारीख। अपडेट की माने तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 10th और 12th एग्जाम के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख शुक्रवार को बढ़ा दी है। पहले अंतिम तारीख 22 फरवरी थी, जो अब 25 फरवरी कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कहा कि परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए यह जरूरी खबर है। सीबीएसई ने पहले ही प्रायोगिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की एग्जाम में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने का स्टूडेंट्स को एक और मौका मिला है। बोर्ड ने 10th और 12th के प्राइवेट स्टूडेंट्स को अब पंजीकरण कराकर परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल विंडो 22 फरवरी से खुलेगी। इस पर 25 फरवरी तक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई के जिला समन्वयक बीके मिश्र के मुताबिक कई प्राइवेट छात्र कोरोना महामारी के चलते पंजीकरण नहीं करा पाने से निराश थे। ऐसे छूटे छात्रों के लिए अब सीबीएसई ने एक मौका दिया है। इसके लिए स्टूडेंट्स को सीबीएसई की वेबसाइट पर पंजीकरण करने को कहा गया है। पंजीकरण वही छात्र कर सकते हैं जिन्होंने पहली बार पंजीकरण कराया हो और रोल नंबर भी आवंटित हुआ हो, लेकिन परीक्षा ना दे सके हो या फेल हुए हो। आवेदन की हार्ड कॉपी को कहीं जमा नहीं करना है। 25 फरवरी शाम 5 बजे तक ही आवेदन किए जा सकते हैं। 22 फरवरी को वेबसाइट पर आवेदन शुरू होंगे। सीबीएसई बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होकर 11 जून तक चलेंगी। तो दोस्तों यहां पर प्राइवेट स्टूडेंट्स को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। उनकी जो आखिरी तारीख थी 22 फरवरी, उसको बढ़ाकर अब 25 फरवरी कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप भी पंजीकरण कराने से छूट गए हैं तो आप तैयार हो जाइए पंजीकरण कराने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली एक अपडेट लगाई गई है सीबीएसई परीक्षार्थियों के घरों के पास बनाए जाएंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र। अपडेट की माने तो इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में एग्जाम सेंटर की संख्या में वृद्धि हो सकती है। एग्जाम के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने और स्टूडेंट्स को दूर दूर बैठाने के कारण केंद्रों की संख्या 2020 की अपेक्षा दोगुनी कर बढ़ सकती है। 2021 की बोर्ड परीक्षा में लगभग 32 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों के घरों के पास बनाने का निर्णय लिया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच पड़ रही बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को परेशानी से बचाने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त परीक्षा केंद्रों की तलाश है। मई जून में हो रही परीक्षाओं के दौरान जिन इलाकों में अधिक गर्मी पड़ती है, तेज धूप से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाले स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि बोर्ड यह चाहता है कि परीक्षा के 3 घंटों के दौरान छात्रों को गर्मी के चलते कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। 4 मई से शुरू हो रही परीक्षा के 10 दिन बाद 14 मई से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों के बारे में किसी प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कोरोना के बाद की स्थिति में सीबीएसई परीक्षाओं के संचालन के लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है। परीक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या कम रखी जाएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपका एग्जाम सेंटर जो है बिल्कुल आपके घर के आसपास ही बनेगा, क्योंकि एग्जाम सेंटरों की जो संख्या है वो 2020 के मुकाबले अब जो है बढ़ा दी गई है। इसके अलावा क्लियर कर दिया गया है कि आपके एग्जाम 4 मई से शुरू हो रहे हैं, ठीक 10 दिन बाद यानी कि 14 मई से आपकी जो आंसर शीट होगी उसका चेकिंग भी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी आंसर शीट आपके एग्जाम के साथ साथ चेक होती चली जाएंगी। इस तरह से आपका एग्जाम रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए आप लोग कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास या फिर 12th क्लास, और आगे जरूर लिखिएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021, जिससे कि आगे मुझे अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए। दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको ही दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप
आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।